नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल में। वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा आज हम हेड टू टो बहुत सारी डिसीजेस को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें कुछ इमरजेंसी और लाइफ सेविंग डिसीजेस भी होते हैं, जैसे स्ट्रोक। स्ट्रोक अगर पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंच रहा है तो हम लोग थ्रोम्बेक्टोमीज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, ये सारी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और ये सारी प्रोसीजर्स हम एज अ टीम सह्याद्री हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग्स, बहुत बार ब्लड वेसल्स को इंटरनल इंजुरी या इंटरनल रप्चर की वजह से ब्लीडिंग होता है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है। तो ये सारे डिसीजेस को इमरजेंसी में कॉइलिंग, कभी कभी ब्रेन में एन्यूरिज्म होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। सो ये सारी चीजें एज अ टीम हम लोग सह्याद्री हॉस्पिटल में अवेलेबल है और हम इसको 24/7 एनी इमरजेंसी एनी टाइम वी आर देयर टू एड्रेस। इसके अलावा काफी इलेक्टिव प्रोसीजर्स है जो हम डे इन डे आउट कर रहे हैं। उसमें से सबसे कॉमन होता है वेरिकोज वेन। इसमें सारे टाइप के एडवांस ट्रीटमेंट जो है, लेजर, आरएफए, ग्लू, स्क्लेरोथेरेपी, ये सारा एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फाइब्रॉइड के लिए हम लोग फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं रेगुलरली। ये सूचरलेस सर्जरी होता है जिससे यूट्रस हिस्टेक्टॉमी किए बगैर भी हम फाइब्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड में गॉइटर के नोड्यूल्स, गॉइटर जो होता है उसको भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन द्वारा हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर कैंसर में अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट होता है जिसमें कीमो एम्बोलाइजेशन या रेडियो एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे कैंसर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस प्रकार फ्रॉम हेड टू टो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट माई टीम एंड वी आर अवेलेबल एट सह्याद्री हॉस्पिटल 24/7। सो एनी हेल्प, एनी services related to interventional radiology is required, we are there to help you. Thank you.